इस चैनल में आपको टेक्निकल से और एडुकेशन से रिलेटेड वीडियो डाला जाता है। आज का वीडियो का थीम है आधार कार्ड सस्पेंड हो रहा है ज़्यादातर लोगों का। आधार कार्ड से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आप सभी आधार धारकों को विस्तार से ये बताऊंगा कि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करें, वो साथ ही साथ मैं आपको पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी बताऊँगा, ताकि आप ये ज़रूरी काम खुद से कर सके और अपने समय व धन की बचत कर सके। से UIDAI की तरफ से न्यू अपडेट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि आपके किसी भी दस्तावेज की वैधता समाप्त हो चुकी है तो आपको उसकी जगह पर नए वैध दस्तावेज को स्कैन करना पड़ेगा, करके अपलोड करना पड़ेगा। और इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो आपका आधार कार्ड सस्पेंड भी हो सकता है या फिर डीएक्टिवेट भी हो सकता है। दस्तावेज में अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो ये अभी जाँच पड़ताल चल रहा है कि आपका आधार कार्ड, या आप अगर रहते हो इंडिया में तो आधार कार्ड में जो लगाए गए डॉक्यूमेंट्स थे आपके, वो सही थे या गलत थे। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अपने अपने आधार कार्ड में नए दस्तावेजों को स्कैन करने, अपलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को तैयार रखना होगा, क्योंकि इसके लिए आपको पोर्टल में लॉगिन करना होगा और पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपको OTP सत्यापन करना होगा, और इसलिए आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपना लिंक नहीं करवाया है तो नज़दीकी आधार सेंटर में जाके अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI.government.in वेबसाइट में आना होगा, जो कि इस प्रकार है। होम पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर और OTP की सत्यापन करके पोर्टल में लॉगिन करना होगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट डॉक्यूमेंट्स का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों का स्कैन करके अपलोड करना होगा, और अंत में आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको इसकी रसीद संख्या मिलेगी, ताकि आप अपने अपने अपडेट्स का स्टेटस चेक कर सकें, जिससे आपको सुरक्षित रख लेना होगा। इस प्रकार आप सभी आधार कार्ड धारक आसानी से घर बैठे बैठे अपने अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। अतः मुझे ये उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, जिसके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।